हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशी स्टार फूड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स, जो आपके किचन के काम को आसान कर देगी। और आज की टिप्स ना आपके बहुत ही काम आने वाली है। टिप्स पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज की पहली टिप देखते हैं। मेरी पहली टिप दाल से रिलेटेड है। अक्सर कई लोगों को दाल खाने से ना गैस और एसिडिटी हो जाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दाल को कुक करने से पहले ना हल्का सा ड्राई रोस्ट कर ले 2-3 मिनट के लिए, और फिर आप दाल को कुक कीजिए। तो आपको जो गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना दाल खाने से, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मेरी ये वाली टिप कढ़ी बनाने से लेकर है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब वो कढ़ी बनाते हैं तो उनकी कढ़ी फट जाती है और खाने में ना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपने जो कढ़ी के लिए बेसन वाला घोल बना रखा है ना, वो डायरेक्ट आप तड़के में ऐड ना करें। उससे पहले आप तड़के में थोड़ा सा पानी ऐड करें, आधा गिलास के लगभग, और जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए ना, फिर आप बेसन वाला घोल ऐड करें और कढ़ी को पका लेंगे। एक दो उबाल आने देंगे कढ़ी में, कंटिन्यू चलाते रहें। इसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लें और कढ़ी को अच्छे से पका लेंगे। एक बात का और ज़रूर ध्यान रखें कि नमक हमेशा कढ़ी बनने के बाद ही डालना चाहिए। इससे आपकी कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो आप इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपके काफ़ी काम आएगी। ये वाली टिप मेरी फ्रूट्स को लेकर है। देखिए, जब हम कोई भी फ्रूट काटते हैं खाने के लिए, जैसे तरबूज, पपीता या और भी कोई फ्रूट काट लिया, तो एक बार में पूरा खाने में नहीं आता, आधा बच जाता है। तरबूज, पपीता वगैरह बच ही जाते हैं। तो ये कटे हुए फल को ना हम ऐसे ही फ्रिज में उठाकर रख देते हैं खुला, जिसके कारण इनके ऊपर की स्किन खराब हो जाती है और अगले दिन भी हम ये खाते हैं तो इनमें वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो तब भी आपके पास जैसे तरबूज, पपीता वगैरह आधा बच जाए, तो इनको आप ऐसे ही खुला फ्रिज में ना रखें। इनको आप अच्छे से क्लिंग रैप कर लें, फिर आप फ्रिज में रखें। और यदि आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप इस तरह की कोई थैली ले लें, सभी के पास मिल जाती है, इसमें अच्छे से पैक करके रख लेंगे। और यदि आप इस थैली में नहीं रखना चाहते, कई लोग ये थैली यूज़ नहीं करते, तो आपको एक तरीका और बताती हूँ। आप एक प्लेट लें, देखिए ये प्लेट ली है मैंने, और तरबूज को ना हम उल्टा रख देंगे, जिस साइड से काट रखा है ऐसे उल्टा रख दें, और तरबूज को ऊपर से कवर कर देना है। कोई ऐसा बर्तन लें जिससे ढक जाए पूरा। अब इसे आप फ्रिज में रख दीजिए, आपका तरबूज, पपीता, जो भी फल है, खराब नहीं होंगे। नंबर 4 मेरी लहसुन को लेकर है। देखिए, जब हम लहसुन छीलते हैं या कभी कभार हमें ज़्यादा लहसुन छीलना पड़ जाता है, तो इसकी स्मेल ना काफ़ी देर तक हमारे हाथों से जाती नहीं है। और कई लोगों को लहसुन प्याज की स्मेल ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसकी स्मेल को दूर करने का सिंपल सा तरीका है, आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें, यानी जो खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, वो अपनी फिंगर पर डालें, थोड़ा सा पानी डालें और 1-2 मिनट के लिए अच्छे से रगड़ लेना है। इसके बाद फिर अपने हाथों को धो लीजिए, आप देखेंगे कि आपके हाथों से लहसुन प्याज की स्मेल दूर हो जाती है। हाथ धोने के बाद आप थोड़ा सा नारियल का तेल या कोई भी क्रीम लगा लीजिए। तो आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर आजमा कर देखें, ये आपके काफ़ी काम आएगी। आइए अब देखते हैं टिप नंबर 5। देखिए, इस तरह के हमारे पास जो ग्रेटर होते हैं, छोटे बड़े साइज में, या फिर चाकू भी होते हैं, तो समय के साथ साथ इनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। और जब सब्जियां हम ग्रेट करते हैं या फिर चाकू से भी काटते हैं, तो अच्छे से कटती नहीं है। इनको शार्प करने का सिंपल सा तरीका है, आप कोई भी पुराना कप ले लें और कप को ना ग्रेटर पर 2-3 मिनट के लिए अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। देखिए, ग्रेटर को ऐसे पकड़े और कप को ऊपर रखकर ग्रेट कर लेना है। आप देखेंगे कि ग्रेटर कितने अच्छे से शार्प हो जाता है, इनकी धार तेज हो जाएगी और इनमें ना अच्छी साइन भी आ जाती है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी छोटे बड़े ग्रेटर है, इनकी धार तेज कर सकते हैं। ऐसे ही हम चाकू को भी तेज कर लेंगे। चाकू के लिए कप को उल्टा रखें और ये देखिए, इस तरह से इसकी भी धार तेज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, है ना कमाल का आइडिया, बिना खर्चे के हम घर पर ही आसानी से इन चीज़ों की धार तेज कर सकते हैं। टिप अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ये वाली टिप मेरी लाइटर को लेकर है। देखिए, हमारे जो गैस लाइटर है, समय के साथ साथ ये भी ख़राब हो जाते हैं, इन पे ऑयल जमा हो जाता है और ये ना बहुत ही गंदे हो जाते हैं।
तो इनको भी साफ़ करने का मेरे पास एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप नेल पॉलिश रिमूवर लें। रिमूवर तो हर किसी के पास मिल ही जाता है, और थोड़े सी कॉटन पर हम ये रिमूवर लगाकर लाइटर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में, कम मेहनत में आपका लाइटर कितने अच्छे से साफ़ हो जाता है, अच्छे से चमक जाएगा। इस पे जितनी भी चिकनाई जमी हुई है सारी अच्छे से साफ हो जाएगी। देखिए कॉटन भी कितना गंदा हो गया। तो आप इस आसान ट्रिक से अपने लाइटर को साफ़ कर सकते हैं। अब आप एक ईयरबड लें, इस पर भी थोड़ा सा रिमूवर लगाएंगे, और जो लाइटर का नीचे वाला भाग है ना, जहाँ से स्पार्क निकलता है, वहाँ से भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ऑयल जम जाता है। देखिए ये कितनी गंदी हो गई। आपके पास ईयरबड नहीं है तो कोई माचिस की तिली लें, उस पर कॉटन लपेटकर फिर साफ़ कर लें। तो फ्रेंड्स, आप इस आसान ट्रिक से अपने लाइटर को साफ़ कर सकते हैं। आज की मेरी टिप्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज की थी मेरी ये टिप्स, मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके भी काम आएगी। आज की मेरी टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।